कांग्रेस में कहाँ कमी कर रही है फिर, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाएगी? नॉट सो मच नेशनलिस्ट एज वर बिफोर, बिफोर वर ग्रेट, कांग्रेस वाज ग्रेट। 60 साल का बिल्डिंग है, पुर्तगाल का टाइम का बिल्डिंग है, इसको क्या किया, क्या करके दिखा रहे तुम? बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको करके दिखाओ पहला। विकास के नजरिए से बात किया जाए, गोवा में विकास हुआ है क्या? गोवा में विकास बहुत हुआ है, बीजेपी ने विकास बहुत किया है। उस हिसाब से बीजेपी कंपेयर टू कांग्रेस, बीजेपी अभी 10-15 साल आया है लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट दिया है इन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जार्क मीडिया। देखिए, जो जार्क मीडिया की चुनाव यात्रा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पहले उत्तर प्रदेश में थी फिर महाराष्ट्र में थी, अब हम गोवा में खड़े हैं। गोवा में दो लोकसभा सीटें हैं। अब यहाँ पर जो फैक्टर है, गोवा में क्यों आए हैं हम, पहली बात, गोवा में जो फैक्टर है, जो गोवा की नॉर्थ सीट है वहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है 3 बार से जीत रहे हैं क्योंकि वहाँ 76% हिंदू पॉपुलेशन है। बात करें अब साउथ की, तो साउथ पे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे 2019 में जीते थे, फ्रांसिस्को जीते थे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन 36% है और कुछ मुस्लिम परसेंट भी है और हिंदू पॉपुलेशन यहाँ इतनी नहीं है, जिसकी वजह से ये सीट कांग्रेस खाते में चली गई थी। और बात है कि नॉर्थ गोवा की, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है, बीजेपी वहाँ जीतती भी आ रही है, तो ये एक फैक्टर माना जाता है। गोवा में दो लोकसभा सीटें हैं, ये फैक्टर बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पार्टी का जो कयास लगाए जा रहे हैं कौन सी पार्टी जीत सकती है, किस आइडियोलॉजी की जीत सकती है, तो बीजेपी ऑलवेज नॉर्थ गोवा में जीतती है। इस वक्त हम साउथ गोवा में खड़े हैं, मडगांव जगह है और ये क्रिश्चियन डोमिनेंट इलाका है। हम गोवा में इसलिए आए हैं लोगों का मूड जानने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर गोवा जैसे इलाकों में इतनी पहुंच नहीं हो पाती है मीडिया चैनल्स में, क्या होता है कि इनके मुद्दे नहीं आ पाते हैं। हमें लगता है कि गोवा सिर्फ बीचों तक सीमित है, कि गोवा का नाम आया तो बीच आया, गोवा का नाम आया तो घूमने की जगह नाम आया, लेकिन गोवा एक्चुअल में एक शहर भी है, यहाँ लोग भी रहते हैं, उनके भी मुद्दे होते हैं, जैसे दिल्ली वालों के होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश वालों के होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोग नेता जो है वादे करते हैं जाके रैलियों में, जैसे दिल्ली में वादे करते हैं वैसे गोवा के लोगों से भी वादे करते हैं, वैसी राजनीति होती है जैसे यहाँ सब जगह होती है। तो इस बार जो है हम गोवा की राजनीति को कवर करेंगे, गोवा की जो जनता है उनका मूड जानेंगे कि वो जनता कैसे सोचती है, क्या गोवा की जनता भी दिल्ली की तरह सोचती है, क्या गोवा की जनता भी महाराष्ट्र की तरह सोचती है, क्या गोवा की जनता भी बाकी स्टेट्स की तरह सोचती है। इसी लिए हम जानेंगे लोगों का मूड क्या है, कि क्या फैक्टर है, इस बार कौन जीतेगा। तो आइए चलते हैं, इस बार जो है क्या मूड है, जो नॉर्थ की सीट है क्या कांग्रेस जीत पाएगी, या जो साउथ की सीट है बीजेपी जीत पाएगी? मुझे तो लगता है कि साउथ में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से हर बार जो जीतती है उस तरह से, तो क्रिश्चियन फैक्टर की वजह से जीतेगी। हाँ, ज़्यादातर इस फैक्ट क्रिश्चियन फैक्ट हो सकता है। बीजेपी भी जीतने की चांसेस है, 50-50 है, बोल नहीं सकते। और नॉर्थ में? नॉर्थ में तो ज़्यादातर बीजेपी जीतेगी। क्या क्या वजह मानते हैं वहाँ जीत रही है? ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो ये फैक्टर है। फैक्टर है। क्या गोवा के मुद्दे हैं, विकास की बात की जाए तो गोवा के लिए क्या मुद्दे क्या रहेंगे, रोजगार में महंगाई जैसे दिल्ली में, यहाँ पे भी है ऐसा कुछ? ऐसा तो महंगाई तो है, हर जगह महंगाई है ना, हिंदुस्तान में तो हर जगह महंगाई रहती ही है, तो ऐसा कुछ नहीं। मेन मुद्दा तो विकास, रोजगार, बेरोजगारी है, रोजगार के कोई ये नहीं है, तो गवर्नमेंट को रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जानना चाह रहा हूँ, जो साउथ गोवा है कांग्रेस जीतती है, नॉर्थ में बीजेपी जीतती है, ये अभी थोड़ा मुश्किल है बोलने का। हाँ, वो थोड़ा बहुत सब लोग है ना, एक प्रोपेगेंडा करता है ना। क्या प्रोपेगेंडा? अभी तुम्हारा बीजेपी का बहुत चलता है। हाँ, कांग्रेस का थोड़ा ऐसा कैसा, फिर भी मेरे ख्याल से वही आ सकता है, बीजेपी मोदी क्यों आएगा वो, मतलब ऐसा क्या होता है? देख, हमको राजकारण कुछ मालूम नहीं है, और हमको क्या मांगता है, हम मेहनत करता है, वो जो मार्केट में खाने का है। हाँ, वो चीज़ें स्वस्थ क्या, तो हम सबको सैल्यूट मारेगा, ये सब फार्मेसी में जाके मेडिसिन मंगा, मार्केट में जाके सब मंगा, क्या कर देगा, कुछ महंगाई ये नहीं करता है, वो पहला बात मांगता है। अभी देखता है मैं किसको वोट डालने का, समझा ना, हमारा क्या है, सब पब्लिक लोग ज़्यादा गरीब रहे, कुछ बुला नहीं कह रहा, मेडिसिन देखेगा, प्राइस तुम देख नहीं सकते, वो पहला रेट तुम सब जो ये किया तो सब सुरली जाएगा, सब लोग का भी थे, वो सब पैसे, वो सब पैसा करने का देखता है, हम देख मेहनत करके पेट ये करता है। 1939 शॉप पिताजी का, फिर मैं भी रनिंग करता है। आपके पिताजी का शॉप है ये? हाँ। और आप चला रहे हैं? यस। कांग्रेस तो जीत पाएगी। जीत पाएगी, वो कैसे? सब को लेकर चल रहे हैं वो, सबको लेकर चल रहे हैं। बीजेपी सबको लेकर नहीं चलती? जी, बीजेपी लेकर चलती है, लेकिन उनका भी क्या है प्रॉब्लम देखना पड़ता ना उनका भी। अच्छा, कैसे देखते हैं बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे, काम किया है बीजेपी ने 10 सालों में? 10 साल में करे, अच्छा करे काम, वो भी
लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा यह है जाति वाति कार्ड रिलीजन हिंदू मुस्लिम का कार्ड हिंदू मुस्लिम का थोड़ा कार्ड इसके इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है उनका। तो गोवा में भी चलता है क्या कब सब? नहीं नहीं इधर नहीं चलता है, इधर गोवा में नहीं चलता, नहीं चलता इधर तो है लेकिन कांग्रेस थी इधर पहला, बीजेपी में सब लोग घुस गए। इस बार दोनों राज्यों में कांग्रेस आने का चांसेस है, लोग बोल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि इस बार कुछ चेंज करे, इसलिए से वो लोगों के सबके मुंह में आ रहा है इस बार कांग्रेस आएंगे कुछ चेंज करेंगे, कांग्रेस को लाएंगे, ऐसा है। ऐसा है कि मतलब बीजेपी का जो फैक्टर है नॉर्थ में जीतने का, वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हिंदू क्रिश्चियन पे ऐसा कुछ नहीं। अभी 30 साल से पहले हिंदू ही कांग्रेस को वोट करते आ रहे थे, उसमें क्या है? अभी 10 साल में चेंज हुआ है, तो आगे भी कुछ चेंज करके देखना चाहिए ना लोगों ने। सर मुद्दों में बात होती है कि महंगाई रोजगार बेरोजगारी, महंगाई रोजगार कल कांग्रेस भी आएगा तो वही महंगाई रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, तो होते ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जो किसको गवर्नमेंट में आना है वो लोगों ने अच्छा करके दिखाना है बस। अभी हमारे एक कैप्टन साहब बैठे है, वो कुछ अच्छा करने का हमको आश्वासन दिया है उसने, तो हम मांग रहे हैं उसके भलाई के लिए और उसके फ्यूचर के लिए वो आ जाए इलेक्ट होके और अच्छा कुछ करे हमारे लिए। पूरा बीजेपी वो क्यों ये काम करता ना? क्या काम किया है? वो सबका काम किया, सब ग्राउंड किया, वो पातोड़े ग्राउंड बहुत है, वो सब ग्राउंड किया, रोड भी अच्छी किया, वो सब अच्छी किया वो काम। उधर से गोवा में बीजेपी आता, गोवा बीजेपी आ रही है दोनों सीटों पे। हाँ इस बार क्या बीजेपी दोनों सीट जीत पाएगी या कांग्रेस दोनों सीट जीत जाएगी? बीजेपी दोनों सीट जीत पाएगी। वो कैसे कैसे पॉपुलर है, मनोहर पर्रिकर नामक चीफ मिनिस्टर हुआ, लॉट ऑफ प्रोग्रेस, ही इज कंटिन्यूइंग दैट प्रोग्रेस। तो दोनों सीट बीजेपी ले जाएगी जी। और कांग्रेस में कहाँ कमी कर रही है फिर, कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाएगी? नॉट सो मच नेशनलिस्ट एज वर बिफोर, बिफोर वर ग्रेट, कांग्रेस वॉज ग्रेट, आई वॉज इन कांग्रेस पार्टी। ओके तो क्या हुआ सर, अभी आप कांग्रेस को कमजोर अब देख रहे हैं कि जितने बड़े नेता हैं, राजीव गांधी आई वाज इन कांग्रेस, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सब निकल रहे हैं, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं हो रहा, कांग्रेस कहाँ लैक कर रही है, वो क्या कमी कर रही है जो कमजोर होती जा रही है? देयर पॉलिसीज आर नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद की बीजेपी की पॉलिसी है जो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, आइडियोलॉजी का फर्क है। सुरक्षा अच्छा है, सुरक्षा नेशन का सुरक्षा अच्छा। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। जो बीजेपी है दोनों सीट जीत पाएगी या कांग्रेस दोनों सीट जीत जाएगी? हमको सेंट्रल में कांग्रेस आएगा, हो गया खत्म, सेंट्रल में कांग्रेस आएगा वो कैसे? साउथ में तो है कि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, सेंट्रल में कांग्रेस आएगा। अच्छा हो गया, तो लोग तो बोल रहे कि यहाँ पे विकास किया उन्होंने थोड़ा सा, इधर कुछ नहीं किया। कैसे देखते हैं जो बीजेपी नॉर्थ में जीत रही है हिंदू पॉपुलेशन की वजह से? पैसे के लिए जीत रही है नॉर्थ में, साउथ में पैसे के लिए जीत रहे। सेंट्रल में कांग्रेस आएगा, हो गया सेंट्रल में कांग्रेस आएगा। ईएम बंद करो, ईएम और इलेक्शन ये ना हो, बंद करो। ईवीएम बोल रहे हैं आप? ईवीएम कुछ है वो। अच्छा अच्छा ईवीएम अगर बैलेट पेपर से वोट होगा तो कांग्रेस जीत जाएगी? आएगी कांग्रेस आएगी। काम करो बोलो उसको, बीजेपी को बोलो का काम करो, काम नहीं करना। वो तो बोलते रोड बना दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ तो रोड बनाएगी ये। हम मेरा गवर्नमेंट आएगा तो मैं मिनिस्टर होएगा तो मैं भी गवर्नमेंट रोड बनाएगा, 22 रोड ये हुआ तो रोड बनाएगा ना। सर आपने एक सवाल बड़ा सा आपने काउंटर किया है कि अभी क्या हो रहा है कि जब भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, रोड मिल रहा है, कि गवर्नमेंट काम ये होता है? 5 किलो राशन कोई भी दे सकता है, उसका कायदा ये है, कोई गवर्नमेंट आने दो, देना ही पड़ेगा ना। या अभी ये बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग देख रहा है, हम इधर बैठते थे, ये देखो ये पूरा, ये पहला चेक करो, ये पहला पूरा चेक करो, हम इतने साल से बैठते हैं, उधर देखो, उधर उधर पहला देखो, इधर मत देखो, नहीं नहीं कैमरा दिखा रहा है, हाँ इधर मत देखो, उधर देखो, हम उधर बैठते थे, इसको क्या किया तुमने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया उसको, इसको क्या किया, इतना साल का 60 साल का बिल्डिंग है, पुर्तगाल का टाइम का बिल्डिंग है, इसको क्या किया, क्या करके दिखा रहे तुम बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसको करके दिखाओ पहला, उसके बाद में बोलो। इसका टेस्ट लेके गया इधर खुद के, इसका टेस्ट लेके गया, ये देखो इसका टेस्ट, पहले का लोखंड है, ओरिजिनल लोखंड है, इसका टेस्ट लेके गया, इसको क्या क्या बुलाने कुछ, तुम सब मीडिया वाले आते हैं लेके जाते हैं,
उसके ऊपर डालो ना, दोनों सीट जाएगा। कौन जीतेगा? बीजेपी। वो क्यों? लोगों का डेवलपमेंट है ना। क्या डेवलपमेंट है सर? गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट में रस्ते किया है, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट, नए नए स्कीम लाए हैं, इसके वजह से बीजेपी जीतेगा। अच्छा, और क्या रीजन? और रोड वगैरह भी है क्या, हाईवे वगैरह? एकदम, आपने तो देखा रहेगा ना, गोवा का हाईवे और कौन सा भी स्टेट में नहीं है। और गोवा में 150 किलोमीटर का सब बाउंड्री है, लेकिन इधर दो एयरपोर्ट है, एक नॉर्थ और साउथ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि साउथ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम भी है, तो ऐसे में क्या बीजेपी इसे यहाँ जीतना संभव है? हाँ संभव है ना, उसके MLA भी बीजेपी के साथ है ना, वो कैथलिक के MLA बीजेपी के साथ है, इसके लिए तो संभव है। तो इधर थोड़ा टफ है साउथ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, इसलिए, और कुछ नहीं प्रॉब्लम। वो लोग अपना इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर अपने आइडियोलॉजी के ऊपर वहाँ से वोट ले रहे हैं। हाँ ऐसा होता है, विकास के नजरिए से बात किया जाए, गोवा में विकास हुआ है क्या? गोवा में विकास बहुत हुआ है, बीजेपी ने विकास बहुत किया है, रास्ता विस्ता सब किया है, पहला ऐसा नहीं था, अभी किया है। लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी वगैरह बहुत हो गई है। महंगाई नहीं, वो तो बढ़ता चढ़ता ऐसा ही रहता है ना, उसमें महंगाई बोलने का ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या लगता है, बीजेपी सरकार बना पाएगी इस बार द्वारा? अभी क्या है, ये क्या होता है, ऊपर बीजेपी आया ना तो इधर थोड़ा अच्छा होता है, इधर बीजेपी के आने का चांस है। लोग ऊपर दिल्ली में क्या होता है उसको देख के इधर वोट करता है। कांग्रेस की दो सीट जीतना मुश्किल है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि ऊपर सरकार भी बीजेपी है इस कारण से। ओके, क्या ये कारण भी हो सकता है, नॉर्थ में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बट वैसे ही बीजेपी सरकार ऊपर है तो इस कारण से। अच्छा, काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? अच्छा, डेवलप है, मेन तो सड़कें अच्छे बने। आपके गोवा के नौजवान बोल रहे थे बेरोजगारी बहुत है। हाँ, अगर आप देखे रहेंगे आपका, अभी जब भी आप पंजीम से ट्रैवल करेंगे, नया जो रोड बना, ब्रिज बना, उस कारण से मतलब वैसा बहुत सारी चीज़ें, इंडिविजुअल छोटे मोटे चीज़ें जहाँ डेवलप अच्छा हुए। महंगाई बेरोजगारी जो मुद्दे बता रहे गोवा वाले, महंगाई तो हर जगह में हो गई ना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवा में महंगाई बढ़ गई है। नहीं, बीजेपी तो ज़्यादा मोस्टली ऐसा लग रहा है मेरे को। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी जितना इतने सालों से वो रहा था पोजीशन में तभी, लेकिन उसने उतना डेवलपमेंट नहीं दिया गोवा को। उस हिसाब से बीजेपी कंपेयर टू कांग्रेस, बीजेपी अभी 10-15 साल आया है, लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट दिया है इन्होंने। क्या क्या? जैसे नया अभी रोड कंस्ट्रक्शन, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, ये भी दिया है, इसलिए मेरे को लगता है कि बीजेपी आएगा। दोनों सीटों पर गोवा की? हाँ, दोनों सीटों पर गोवा की। हाँ हाँ, दोनों सीट। ये ना हो कि गोवा पे क्या है कि जो साउथ वाली, इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो वो भी वोट करेंगे उनको? हाँ, गोवा का ही वोट होगा ऐसे, मतलब बीजेपी को आएगा। गोवा में दोनों सीट जीत लेंगे। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस। क्या सर, क्या है कि नॉर्थ में 76% हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये एक राइट वो है, एक फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी वहाँ जीत रही है। साउथ में क्रिश्चियन ज़्यादा है, मुस्लिम भी है, ये दूसरा फैक्टर है, कांग्रेस यहाँ जीत रही है, आइडियोलॉजी का फर्क आ गया, क्या ये सच है? लेकिन क्या है ना, इधर हिंदू मुस्लिम कैथलिक सब एक ही है। ओके, लेकिन बात करने का मुद्दा ऐसा है क्या, इधर पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रहा है। तो ये था साउथ गोवा की जनता का मूड। हम इस वक्त साउथ गोवा में खड़े थे, ये मडगांव शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। जैसा कि गोवा की जनता मान ने आपको वीडियो में बताया कि उनकी क्या समझ है राजनीति को लेकर, राजनीति पर उनके क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, जो भी आप कहें, कितना अलग है दिल्ली वालों से, कितने अलग हैं उत्तर प्रदेश वालों से। मुझे तो लगभग सेम ही लगे, जो दिल्ली वालों के हैं वही गोवा वालों के हैं, जो उत्तर प्रदेश वाले के हैं वो भी गोवा वालों के। खाली हो सकता है कि अलग अलग मतभेद सबके ही होते हैं। लेकिन अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कॉमेंट करें। मेरा नाम मुन्ना सैफी है, मेरे कैमरे के पीछे है सुनील।